स्कूल के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में एक निजी स्कूल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर काम कर रही है। लोगों ने ट्यूशन का निर्माण किया, कोचिंग सेंटर बने, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन बढ़ी कि लोग कहते हैं कि हरियाणा में नौकरी मेरिट के आधार पर है, कोई कोचिंग लेता है, कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराता है, तो बच्चे को ट्यूशन कराता है। वही दिल्ली चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं और ऐसा कई बार हुआ है। मैं सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में हरियाणा में बीजेपी की और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, विकास करना है। मूलचंद शर्मा ने बच्चों को अहम जानकारी दी, इसके साथ ही बच्चों को समझाया भी। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि जिस स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं, उस स्कूल को प्रगति पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।